doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम हर doctors.com में कुछ ऐसे डॉक्टर्स से आपको रूबरू करवाते हैं जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनके विषयों पर, जहाँ पे वो हमारे किसी भी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी साझा करते हैं, साथ ही बताते हैं कि किस तरीके से उस बीमारी से बचाव किया जा सकता है, क्या उपयोग उसमें किए जा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक एक्सपर्टाइज डॉक्टर हमारे साथ है, केयर हॉस्पिटल से आज हमारे साथ है डॉक्टर विपुल सेता सर, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, और इनका हमारे doctors.com शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आज हम लोग आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारी ये लाइफस्टाइल बढ़ रही है, दिन ब दिन हम लोग कहीं ना कहीं फास्ट मूव कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम लोग हमारी हेल्थ का कहीं ना कहीं कम ध्यान दे रहे हैं। और इसी चीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बीपी की जो बीमारियां है वो बढ़ रही है, साथ में उससे रिलेटेड हार्ट डिसीज़ भी बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों ये सारी चीज़ें आज के इस डेवलपिंग लाइफस्टाइल में हो रही है, किस तरीके से लोगों को खुद का ख्याल रखना चाहिए। देखिए दिशा मैडम, आपने खुद ने ही इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि सब तरफ सीमेंट रोड बन रहे हैं, सब लोग गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, खान पान में फ़र्क पड़ गया है। अभी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग कहते थे, वो कहते कि उस ज़माने का हमने खाना खाया है, वो ज़माने का खाना क्या था हमें पता ही नहीं है, मैंने भी नहीं खाया है वो। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जो अर्बनाइजेशन आया है, जो स्ट्रेसफुल भागदौड़ वाली लाइफ हो गई है, जिसमें हमको खुद की शरीर के लिए, सेहत के लिए समय नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस के वजह से फिर कुछ आदतें लतें पड़ जाती है, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, तो इस वजह से आजकल की युवा पीढ़ी में, पर्टिकुलरली मैं उसको स्ट्रेस देना चाहूँगा, युवा पीढ़ी में 30 के 35 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं। मैंने तो 10 साल पहले एक 19 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक आते हुए देखा है, एंड ही वॉज स्मोकर। सो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी हुई है, उसके वजह से हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर पे काफ़ी असर हो रहा है, और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। जिस तरीके से सर आपने कहा अभी कि आपने एक 19 साल के बच्चे को ट्रीट किया जो मतलब जिसको हार्ट अटैक हुआ था, एंड ही वाज अ स्मोकर, तो क्या हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि टेकिंग ड्रग्स और ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन हमारे हार्ट डिसीज की ओर बढ़ाता है, ऐसा कुछ? यस 101% मैं तो कहूँगा कि ये जो सारी मैंने तो अभी से स्मोकिंग की बात किया, स्मोकिंग किस प्रकार का, टोबैको स्मोकिंग, कोकेन स्मोकिंग, गांजा स्मोकिंग, जो कोकेन और गांजा स्मोकिंग है उससे तो हार्ट का अटैक आने के या हार्ट के प्रॉब्लम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू टोबैको स्मोकिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोलेंगे कि इसके जगह पे आप टोबैको स्मोकिंग करो। स्मोकिंग कोई भी प्रकार में, इवन जो हुक्का पार्लर का ट्रेंड चल रहा है आजकल, वो भी गलत है। कोई भी प्रकार का स्मोकिंग किया जाए तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की और फेफड़ों की बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सर बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बीपी, अगर हमारा हाई बीपी रहा तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में लोगों को बताएं। देखिए ऐसा है कि ब्लड प्रेशर मीन्स हमारे शरीर में जो खून की सप्लाई हो रही है नसें, उसके अंदर का इनडायरेक्टली प्रेशर कितना है वो मेजर करते हैं। अभी ये जो ब्लड वेसल्स रहती है, जो खून सप्लाई करने वाली नसें रहती है, ये हमारे शरीर के सारे अंगों को खून सप्लाई करती है, सर से लेकर पैर तक हर चीज को वो अफेक्ट कर सकती है। यदि हम ऊपर से चालू करें तो ब्रेन, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है खून की सप्लाई कम होने के कारण, या अंदर में खून की रिसाव होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। आंखों के अंदर रेटिना का असर हो सकता है, रेटिना पे असर हो सकता है, रेटिनल प्रोलैप्स हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है, अंधापन आ सकता है। हार्ट का तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। फिर किडनी, यदि ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ के रहा और उस चीज़ को एड्रेस ना किया जाए तो कुछ सालों बाद किडनी को भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। जिस तरीके से सर आपने बताया कि ब्लड प्रेशर से इतनी सारी डिसीजेज हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, सर मैं जानना चाहूँगी कि अगर ये ब्लड प्रेशर किसी इंसान को होता है तो उसके पहले उसको प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, कि मतलब कि ये हो ही ना, किस तरीके से उसका डाइट रहना चाहिए और किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह उसे करनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि
कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या खाना है और क्या एक्सरसाइज करना है। हर पर्सन से अपने अपने सिचुएशन और अपने अपने काम करने के तरीके से जो भी पॉसिबल है मैक्सिमम करना चाहिए। मैं एक सिंपल वर्ड्स में 5-6 चीज़ें बताना चाहूँगा। जो जंक फूड है टोटली बंद करें, गलत टाइम पे गलत चीज़ें खाना, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे जागना, ये बंद करें। दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की सुकून वाली नींद ले, काम के समय काम करे, सोने के समय सोए, रात को देर रात तक के टीवी देखते ना बैठे, मोबाइल लेके ना बैठे। ये जो अपनी दिनचर्या है यदि आप सेटल कर ले, उसको आप फिक्स कर ले, हाँ आधा घंटा एक घंटा इधर उधर हो सकता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी राहत होगी। दूसरी बात, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडिक्शंस के बारे में, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इसको यदि बंद कर सके धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होती है कोई भी चीज़, धीरे धीरे बंद कर ले तो मेरे ख्याल से काफ़ी मदद होगी। दूसरा इसमें एक ऐसा पॉइंट है कि 10 साल पहले मैं खुद बोलता था कि जैसे ही 40 की उम्र होती है अपने बॉडी का रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अभी 5 साल पहले मैं बोलने लगा कि 35 साल की उम्र में अपने बॉडी का रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अभी तो मैं बोलता हूँ कि 30 साल की उम्र में रूटीन चेकअप कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या, शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर जांच करना तो काफ़ी आसान है। अपने घर के पास कोई जनरल प्रैक्टिशनर है, अपने मित्र रहते हैं उनके पास जांच कराइए, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई है, हाईटेक मशीनें आ गई है जो आपको अच्छे से ब्लड प्रेशर का घर में ही मेजरमेंट दे सकते हैं। और हाँ, एक बात आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि फैमिली में यदि किसी को ब्लड प्रेशर और शुगर है तो 30 साल की उम्र में पूरा बॉडी चेकअप होना ही चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि खान पान के बारे में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रूटीन चेकअप के बारे में भी आपने कहा, बहुत बार सर ऐसा होता है कि लोग रूटीन चेकअप को बहुत ही अच्छे तरीके से नज़रअंदाज कर लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि क्या ही होगा रूटीन चेकअप करके। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रूटीन चेकअप के फ़ायदे क्या है। देखिए, रूटीन चेकअप में पहले क्या करना मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्लड प्रेशर, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हीमोग्लोबिन और थायराइड की जांच। यदि इतना भी किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतना इतना यदि रूटीनली आप करते रहे और एक बार ट्रैक मिल गया कि भाई हमको ये समय में नहीं था, अगले 1 साल 2 साल में ये चीज़ें रिपीट की जाए। ब्लड प्रेशर तो आप रिपीटेडली चेक कर सकते हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की और थायराइड की जा रही थी एक दो साल में कर ली जाए तो मेरे ख्याल से वो काफी मदद होगी उसके लिए। मतलब जिस चीज को लोग नजरअंदाज करते हैं, जिस रूटीन चेकअप को लोग नजरअंदाज करते हैं, अगर उसे नजरअंदाज ना किया जाए, समय समय पर खुद का चेकअप किया जाए, तो आने वाली जो बीमारी है उसका अंदेशा हमें पहले से ही हो सकता है। और जो चीजें होने हो सकती, मतलब जितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जितनी बड़ी बीमारी हो सकती है, हम उससे बच सकते हैं और जल्दी उसका निकारण किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। सर, ये एक चीज आपसे पूछनी थी कि जिस तरीके से कोविड का काल हमने देखा है, इसमें ये भी देखा गया है कि हार्ट डिसीजेस भी हुए हैं, तो किस तरीके से कोविड और हार्ट डिसीजेस का हम रिलेशन लगाएंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कोविड जैसा समझ जाता है कि सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। मेनली डेफिनेटली मैं मानता हूँ ये बात को कि वो फेफड़ों को ही अफेक्ट करता है, लेकिन उसके वजह से हमने हार्ट के संबंधित भी प्रॉब्लम होते हुए देखे हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। पहला है कि हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नसों के अंदर ब्लॉकेजेस आना, बड़ी या छोटे साइज के ब्लॉकेजेस आना, उसके वजह से हार्ट को खून की सप्लाई कम होकर हार्ट अटैक होना। ये जो ब्लॉकेजेस आते हैं ये खून की गठान जमा होने के कारण होते हैं। दूसरी बात, हार्ट की जो मसल्स रहती है उस पर वायरस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होके हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाना, उसके वजह से हार्ट का जो नॉर्मली पंपिंग रहता है जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जो 55 से 60% रहना चाहिए, वो कम हो जाना, और जिसको हम हार्ट फेल्यूर बोलते हैं, हार्ट फेल होना, वो स्थिति बनना। और तीसरा है कि हार्ट के अंदर जो वायरिंग रहती है जिसके वजह से कि हार्ट की बीट्स पूरे हार्ट में फैलती है और हार्ट पंप करता है, वो कंडक्शन सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से हार्ट की धड़कन एक तो काफ़ी कम हो जाना या काफ़ी ज़्यादा हो जाना। ऐसे 3 प्रकार की बीमारी हो सकती है। एक तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की धड़कन के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट का पंपिंग वीक हो सकता है। और ये सारी तीनों चीज़ें हमने कोविड के दौरान हमने हमारे अस्पताल में होते हुए देखा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज़ है
और उसे कोविड हो जाता है, हाँ तो क्या ये बहुत ज्यादा असर करेगा हमारे हार्ट पे? इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। डेफिनेटली असर करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनमें कोविड का प्रमाण ज़्यादा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि उनको कोविड होता है, तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, वो बढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो सर, अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, तो किस तरीके से कोविड और एक हार्ट पेशेंट को, मतलब अगर उस व्यक्ति को हार्ट हार्ट का भी प्रॉब्लम है और कोविड हो जाता है, किस तरीके के प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए? देखिए, आपने जैसा मुझे पूछा कि उनको कोविड हो जाता है क्या, हम उसके पहले स्टेप पे आते हैं। कोविड होने से बचना है ऐसे लोगों ने, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मास्क पहने, मास्क को ना भूले। अगले 6 महीना, 1 साल, एक हमारा जैसे कि शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा जो भी पहनते हैं, वैसा मास्क हमारा एक शरीर का झांकने वाला कपड़ा है, ऐसा समझ के ही उसको इस्तेमाल करें। और दूसरा, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि जो भी कोविड हो उसकी सिवियरिटी कम रहे। अभी समझ लीजिए कि इतना करने के बावजूद भी कोविड हो गया, तो उसमें अभी अलग से कुछ करने लायक नहीं है। कोविड का इलाज किया जाए और हार्ट के संबंधित जो भी मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू रखी जाए। सर, जिस तरीके से आपने अभी बात की कि वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, ज़रूर बेशक वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, पर बहुत सी अफवाहें जो हमारे कहते हैं ना कि PhD सोशल मीडिया वाले होते हैं, वो फैला रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है उसके कारण हार्ट पे कहीं ना कहीं असर हो रहा है, वैक्सीनेशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ, मतलब क्या कितने तरीके से, मतलब ये सही है, क्या बताएंगे आप? देखिए, आपने खुद ने फिर से उसी का जवाब दे दिया कि अफवाह है, तो अफवाह पे विश्वास ना करें, पहली बात। दूसरी बात, कैसा है कि कोई भी दवाई है, कोई भी वैक्सीन है, 10,000 या 50,000 लोगों को दिया जाए तो एक को तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होना ही है। एक सिंपल आप बुखार की गोली का एग्जाम्पल ले लीजिए, पैरासीटामोल की गोली का, उससे भी 50,000 लोगों को दी जाए तो एक को तो साइड इफेक्ट हो ही सकता है। अभी हम वो चीज़ हाईलाइट करके बाकी बचे हुए लोगों को यदि वो चीज़ का फायदा ना दे तो ये गलत रहेगा। साइंस अपनी जगह पे है, अफवाह अपनी जगह पे है। दूसरी बात, वैक्सीन के वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, ये अब तक के प्रूव नहीं हुआ है। किसी किसी को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसका क्लियर एसोसिएशन विद द वैक्सीन नहीं हुआ है, तो ये अब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो आई थिंक साइंस फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी आपने बात छेड़ी दिया है वैक्सीन की, तो हार्ट के काफ़ी कुछ मरीजों में खून पतला करने वाली दवाई चलती है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर, वैक्सीन लेना है तो खून पतला करने वाली दवाई बंद करना है, चालू रखना है, क्या करना है? तो जो खून पतला करने वाली दवाई दो प्रकार की होती है, एक जो हार्ट अटैक के बाद में देते हैं, और दूसरा हार्ट का वॉल सर्जरी करके मेटल का वॉल लगाने के बाद में जो देते हैं, वो दो प्रकार की दवाई रहती है। तो हार्ट अटैक के बाद में, एंजियोग्राफी एंजियोब्लास्टी के बाद में जो दवाई देते हैं, उसे बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि वो 1 या 2 दिन भी बंद की जाए तो फिर से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तक के दूसरी प्रकार की दवाई का है, जो हार्ट का ऑपरेशन करके वॉल बदला जाता है, मेटल का वॉल लगाया जाता है और खून पतला करने के लिए दवाई दी जाती है, उसका डोज अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपनी फिजिशियन को मिलके थोड़ा कम कराना है। खून थोड़ा सा हल्का सा, पहले जितना पतला था उससे थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है, वैक्सीन लगवाना है और इमिजिएटली फिर से पुराने डोज पे शिफ्ट हो जाना है। लेकिन पूरी तरह बंद नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरे सारे पेशेंट्स को कि कृपा करके वो दवाई अपने डॉक्टर को बिना पूछे बंद ना करें। मेरी आपसे विनती है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से बंद या शुरू ना करें, क्योंकि यूजुअली लोग अपने ही मन के डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद कि हमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे लेने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद वो दवाई लेना बंद कर देते हैं या फिर कोई दवाई लेना शुरू कर देते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक एक स्पॉट पे आ गया, तो
हाँ तो जी स्पॉन्टेनियसली वहां पे अगर कोई इंसान मौजूद है हाँ तो जी उसे क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। और अगर ऐसा किसी बीच सड़क पे हो जाता है तो लोग बस एक सर्कल बना के वो सारी चीजें देखते रहते हैं और वीडियोस, ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि इस टाइम पे स्पॉन्टेनियसली क्या फर्स्ट एड दिया जाए। देखिए, पहला तो है कि वहाँ जितने भी लोग हैं, यदि वो लोग वहाँ पेशेंट के पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो समझदार लोग हैं, वो मदद करना चाहते हैं। तो उसमें इमिजिएटली किसी ने एम्बुलेंस को बुलाना है और नियर बाय जो भी क्लिनिक है, जो भी अस्पताल है, वहाँ शिफ्ट करना चाहिए पेशेंट को। उस समय यदि उसकी सांस चल रही है, नहीं चल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। और यदि सांस रुक गई है तो CPR जिसको बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसेडेशन, जो छाती को पंप करके चालू करने की कोशिश करते हैं हार्ट को, वो इमिजिएटली स्टार्ट करना चाहिए। अभी वो कैसे करना चाहिए मैं ये प्लेटफॉर्म पे इतने छोटे समय में बता नहीं पाऊँगा, इसके यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये यदि आप फॉलो करें और थोड़ा बेसिक्स वो चीज़ का सीख ले तो मेरे ख्याल से आप 100 में से 50 लोगों को तो भी जान बचा पाओ। और ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट दिख जाता है जो ऐसी हार्ट, उसे टाइम पे हार्ट अटैक वगैरह आ गया है, तो आप उसकी वीडियोस या फोटोज ना क्लिक करें, उसके जगह एम्बुलेंस को कॉल किए या फिर जो आसपास के क्लिनिक्स है वहाँ पे जल्द से जल्द कंसल्ट करें, क्योंकि वो चीज़ें किसी मरीज की जान बचा सकती है और हम एक ज़िंदगी दे सकते हैं कहीं ना कहीं। सर, अगर हम लोग बात करें कि हेल्दी हार्ट हैबिट्स इसकी अगर बात की जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे सारे दर्शकों को? इसमें 3-4 चीजें हैं। पहला तो अपना मन खुश रखे, फैमिली के साथ एक कुछ समय निकाले, अपने माता पिता के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें। इससे क्या होता है कि ये जो दिन भर का स्ट्रेस रहता है, वर्क रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, जो भी है, वो काफी कम होता है। कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हार्ट की और बीपी की बीमारी बढ़ाने में मदद करता है। यदि हम वो स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें तो हमको उससे काफ़ी मदद हो सकती है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। यदि आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं तो मेरे ख्याल से दिन में 45 मिनट नॉर्मल या तेज स्पीड से आप शूज़ पहन के चल तो सकते ही है। इतना समय यदि आपके पास नहीं है तो आपको ये दुनिया में रहने का हक नहीं है। नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ आपको, यदि आपको अच्छे से इस दुनिया में रहना है, हेल्दी रहना है, तो दिन के 45 मिनट, एक घंटा आपको खुद की हेल्थ के लिए, एक घंटा आपको फैमिली के लिए निकालना है, 7 घंटे कम से कम सोने के लिए निकालना है, और हेल्दी डाइट एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शंस। इतना सिंपल बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं खुद की केयर लेने के लिए। अगर यही चीज़ें हमने अपना ली तो शायद हार्ट जैसी जो हार्ट डिसीज जैसी जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने किया है तो बहुत जो बड़ी बीमारी है उससे भी बचा जा सकता है। सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि बहुत बार शुगर और हार्ट का कोरिलेशन बताया जाता है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब बोला जाता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है ये सारी? बहुत बार नहीं, हमेशा होता है। शुगर की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शुगर था 10 साल से, हमारा शुगर तो कंट्रोल में था, फिर भी हमको हार्ट की बीमारी क्यों हुई? शुगर कंट्रोल में रहने के बाद में भी, शुगर कितना भी आप कंट्रोल में रख लो, हार्ट की प्रॉब्लम होने के फेयर चांसेस रहते हैं। और शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ पेशेंट्स में तो मैंने ऐसा देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम 4 दिन पहले हो चुकी है, उनको पता ही नहीं पड़ा, जिसको कि हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और वो जब हमारे पास आते हैं तो उनका हार्ट ऑलरेडी हार्ट अटैक आने की वजह से कमज़ोर होके फेल हो चुका होता है। तो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज का काफ़ी क्लोज एसोसिएशन है, दे गो इन हैंड, मैं तो ऐसा बोलूँगा। ओके सर, जिस तरीके से आपने अभी साइलेंट हार्ट अटैक की बात कही, मैं जानना चाहूँगी कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, या फिर सिम्टम्स होते हैं या नहीं, ये बात इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, किस तरीके से होता है? सिम्टम कुछ कुछ समय नहीं होते। देखिए कैसा है कि यदि एक कोई जनरल पब्लिक को पूछ जाए कि हार्ट अटैक के बारे में आपको क्या मालूम है, तो छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, ये चीज़ें नॉर्मली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। उनमें काफ़ी वेक्स की थकावट महसूस हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पेट में गड़बड़ लग रहा है,
उल्टी जैसा लग रहा है, एसी में बैठा हूँ तो भी पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी खाना खाया तो पेट भरे जैसा लग रहा है। यदि ऐसा कोई सिम्टम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एकदम से आ जाता है, एक दो दिन में हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। सर एक और सवाल कि ये साइलेंट हार्ट अटैक जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइक मतलब जो नॉर्मल हार्ट अटैक, क्योंकि भाई इसमें तो सारे दिख रहे हैं सिम्टम्स वगैरह, पर साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये नॉर्मल हार्ट अटैक से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है? डेंजरस इसलिए होता है कि साइलेंट रहता है तो 3 दिन बाद 2 दिन बाद पता पड़ता है, तो तब तक के हार्ट काफ़ी कुछ हद तक डैमेज हो चुका होता है। काफ़ी बार तो पेशेंट में ऐसी हालत हो जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर भी हार्ट कमज़ोर होने के कारण कम हो जाता है और उनको क्रिटिकल हालत में अस्पताल में लाया जाता है ना। तो हार्ट अटैक सारे सेम रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट में हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में हो, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में लेट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं उसमें उनकी गलती नहीं रहती है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि कोई तकलीफ हो रही है। जब काफ़ी प्रॉब्लम एडवांस हो जाती है तो रिलेटिव्स के ध्यान में आता है या पेशेंट के ध्यान में आता है और फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो लेट प्रेजेंटेशन के कारण वो सीवियर रहता है। सर जिस तरीके से आपने साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताया, क्या इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे हम बच सकते हैं ऐसा कुछ? जहाँ तक हो सके अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, और मैंने जो चीज़ें बताया था जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट अटैक के थोड़े बहुत लक्षण हो सकते हैं, यह ध्यान में रखें, और वैसा कुछ होता है तो अपने फिजिशियन को जल्द से जल्द कंसल्ट करें। शायद अपने फिजिशियन को मिलने के बाद फिजिशियन बोल दे, अरे नहीं आपको कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक फिजिशियन के पास अपनी एक एक्स्ट्रा विजिट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। मतलब रूटीन चेकअप वही हो गया कि yes. रूटीन चेकअप का इम्पोर्टेंस yes. यदि उनको कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स लगते हैं तो उन्होंने अपने फिजिशियन के पास जाना ही है। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदियां है, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने हमारे इंटरव्यू की जो आज के सेशन की शुरुआत की थी वो लाइफस्टाइल से की थी, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल, देखिए मैं फिर से वो चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ कि अपना तन और मन शांत रखें, रेगुलर 45 से 50 मिनट वॉकिंग करें, टाइम टू टाइम खाए, एक साथ पेट भर के ना खाए, थोड़ा थोड़ा रिपीटेडली खाए, हरी सब्जी और फलों का आहार अच्छे से करें। यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, मांस मच्छी भी खा सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका सही रहना चाहिए, उसमें तेल घी कम पड़ना चाहिए, मैं बंद नहीं बोल रहा हूँ, कम पड़ना चाहिए, उसको डीप फ्राई नहीं करना है, उसको हल्का फ्राई करके खाना है, और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन थोड़ा कम करके प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा करें, और ताज़े फल, सीजनल फल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने। मतलब प्रॉपर अगर हमने डाइट मेंटेन किया तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं और हार्ट भी हमारा काफ़ी हेल्दी रह सकता है। Definitely. आज हमारे साथ ही केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर विपुल सेता सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और एक हेल्दी हार्ट के बारे में आपने बताया, कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, कैसे चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, और ज़रूर इससे हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यही आशा है हमारे। और आज का फिलहाल हमारा ये एपिसोड यही हम समाप्त करते हैं। हमारे doctors.com में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी अन्य और चीजों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार, नमस्कार।